हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप अपने घर पर तंदूरी रोटी प्रेशर कुकर में कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, मैंने आपको बहुत इजी वे सिखाया है कि आप कैसे रोटी बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever. सो गाइस, तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमने सबसे पहले छोटे भी छोटे पेड़े बना लिए हैं और बेलन की हेल्प से आपको इस तरह इसे रोल करते जाना है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको पेड़ा बिल्कुल ही छोटा सा लेना है। फ्रेंड्स, तंदूरी रोटी को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैंने आपको बहुत ही ईजी वे से सिखाया है कि आप तंदूरी रोटी कैसे बना सकते हैं। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी और क्रंची होती है। आप इसे सूखी सब्जी के साथ, दाल के साथ ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी होती है। आपको ध्यान रखना है कि आपको रोटी पर आटा थोड़ा सा ही लगाना है। इस तरीके से आपको अच्छे तरह से रोटी को रोल करते जाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको रोटी पर आटा थोड़ा सा ही लगाना है, क्योंकि ज़्यादा लगाने से आपकी जो रोटी प्रेशर कुकर पर चिपकेगी नहीं। तो ये तंदूरी रोटी ऐसे ही बनेगी जैसे आप बाज़ार से खाते हैं, बिल्कुल होटल जैसी। ये आपको घर पर रोटी बनेगी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है खाना। तो आप देख सकते हैं कि हमने कुकर गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम एक एक रोटी लेकर उस पर थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर प्रेशर कुकर पर चिपकाएंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको रोटी पर आटा का यूज़ थोड़ा सा ही करना है। तो कुछ इस तरीके से हमने, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कुकर पर रोटी लगाई है। फ्रेंड्स, ये बनाने में इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये खाने में काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी होती है। आप देख सकते हैं कि हमने रोटी को कुछ इस तरह तरीके से प्रेशर कुकर पर रखा है, तो हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है। रोटी लगाने के बाद फ्रेंड्स, आपको कुकर इस तरीके से उल्टा कर देना है। आपको बीच बीच में चेक करते जाना है कि आपकी रोटी बन रही है या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी कितनी अच्छे तरीके से बन रही है और ये काफ़ी ज़्यादा फूल भी चुकी है। आपको फिर से कुकर को उल्टा कर देना है, क्योंकि हमारी रोटी अब तक पूरी बनकर तैयार नहीं हुई है। तो अब हमारी रोटी बनकर रेडी है। तो अब हम चिमटी की हेल्प से रोटी को बाहर निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है, काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है खाने में। अगर आपको अपनी रोटी थोड़ी सी साइड से पकी हुई ना लगे, तो आप इस तरीके से गैस पर इसे पका सकते हैं। फ्रेंड्स, से खाने में काफ़ी टेस्टी होती है। आप इसे सब्जी के साथ ले सकते हैं, दाल के साथ ले सकते हैं। तो ये रोटी का टेस्ट बिल्कुल ही होटल जैसा आएगा। जैसे आप होटल में खाते हैं, वैसा ही इसका टेस्ट आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रोटी अब बनकर तैयार है। तो आप इसके ऊपर घी या मक्खन लगा सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको खाने में। तो अब हम आपको परांठे बनाकर दिखाते हैं कुकर में। तो फ्रेंड्स, परांठा बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक पेड़ा लेना है, उसे बेलना है और उसके ऊपर घी लगाकर कुछ इस तरह से उसे फोल्ड कर देना है। आपको अपनी फिंगर की हेल्प से इसे रोल करते जाना है। परांठा बनाना भी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा आसान है। ये भी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है प्रेशर कुकर में। आपको कुछ इस तरह से इसे रोल करते करते आपको एक पेड़ा तैयार कर लेना है। फ्रेंड, इससे इसका परौंठे का टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इसका टेस्ट भी जैसे होटल में होता है, वैसे ही इसका टेस्ट आपको घर में आएगा। तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इजी इसको बनाने का ये तरीका है। तो फ्रेंड्स, रोटी लगाने समय आपको रोटी पर आटा का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप रोटी पर आटे का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो रोटी है वह प्रेशर कुकर पर चिपकेगी नहीं। इसलिए आपको रोटी पर आटे का थोड़ा सा ही इस्तेमाल करना है। जैसे फ्रेंड्स तंदूरी रोटी लगती है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस से इस लच्छे वाले परौंठे का सेम ऐसे ही लच्छा वाला परौंठा बनता है। To love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my...
तो अब हमारा लच्छी वाला परोठा बनकर तैयार है। तो गाइस होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.